ओडरी से पीओ और जूनियर असिस्टेंट कंप्लीट इंग्लिश पेपर मुझे डिस्कशन करी समस्त रिक्वेस्ट हो सब क्वेश्चन को चेक करेंगे आप ठीक कर ना मानुचे गोटे दुटा क्वेश्चन ट्रिकी बनी जाएगा बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन सब तक इजी था आराम से आप सब तक अटेंड करते जब आप पेपर में दुई रू तीन क्वेश्चन मिस्टेक होती चलो यार हो जाए जना पड़े गोटे गोटे मिस्टेक हो जाए बट बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जमा भी भूल होगा कथा नुह ओके स्टार्ट करेंगे आप एक नंबर क्वेश्चन अच्छी आई थिंक समस्त एटा पिक करते स्पेलिंग टेस्ट अच्छी कौटा रंग स्पेल अच्छी फाइंड आउट करने कहते हैं तो फास्ट हूँ ट्राइ कलर जोटा कि टीआर आई हबार था टीआर वाई तो ये आपको राइट आंसर हम कौटा मु डायरेक्ट स्पेलिंग राइट आंसर कह दूँ बाकी ग्रामर गुडा मुझे एक्सप्लेन करदेवी ओके एक नंबर डी रही है नेक्स्ट आप दुई नंबर देखा गले आप आर आई भाल ओके आर आई भाल आप दुई नंबर सी राइट आंसर रही है जोटा कि आप मिस्टेक अच्छी थार्ड जितना आम जाए ओके जो ये ठीक अच्छे यार एटी जो लिखाई इनकम इनकम स्पेलिंग गोटे भूल कर फास्ट ठीक अच्छे पेट्रोल आप भाविक जाइए पेट्रोल भी गोटे अच्छी ओके तो मन रखिए इनकम आप रईट आन्सर हम जो मैंने आई एन सीओ एम ई हमारे ये ही ना कटिगला बाकी आप चार नंबर आप देखिए चार नंबर गोटा इंडिपेंडेंस ये आप भूल अच्छे ओके आपसन गोटा ए रईट आन्सर हो सब तक आपलरेडी सब तक पिक कर देते किसी प्रोब्लेम नजी थापर से कहते कौटा करेक्ट अच्छे आदि फाइंड आउट करार अच्छी आप्लिकेसन आप कौटा करेक्ट अच्छी एपीपी एल आई सी ए टी आई ओ एन अच्छी जोटा कि अप्सन कौन ए रे अच्छे ओके सेकंड आप छः नंबर क्वेश्चन से आप देखते फाइंड आउट करते कौटा आप मिस्टेक अच्छे देखते सॉरी कोड आपन करेक्ट अच्छे एडमिशन एडीएमआई एसएसआईओएन हुए जोटा कि आप अच्छे ऑप्शन बी रे अच्छे नेक्स्ट सात नंबर आप देखते सात नंबर आप राइट आंसर अच्छे देखते वेलकम डब्ल्यूल सीओएम जोटा कि ऑप्शन कौन अच्छे सी रे अच्छे बाकी स्पेलिंग जना पड़ जाए सब तक मिस्टेक अच्छी आप इजिली बुझीपारे आठ नंबर क्वेश्चन भी समस्त आंसर दे दी थे परीक्षा में जोटा कि आपकी अर्जेंट यू आर जी एन टी हुए ना जोटा कि ऑप्शन कौन डी रही आई थिंक समस्त फाइंड आउट करते हैं जी ग्रामर ग्रामर देखो ग्रामर इजी पड़ता डिफिकल्ट जमा भी ना जब बेसिक कनसेप्ट क्लीयर थी टेन्स हो गला मोडाल हो गला सब जिस इजिली डील करेंगे फास्ट क्वेश्चन सर देखो आई डैश हाव ओन द मैथ बट आई सैडली लॉस्ट आई लॉस्ट तो फास्ट कथा आई लॉस्ट लिखाई ये पांच कथा कौन कह पांच कथा ओके तो आम कही पार्बा विल तो केवे कही पार्बानी ओके डे आर टू लगे ही ओके नीड टू भी लगे नहीं आई कुड हाव ओन मु मैंने जीती पारी था तो ऑप्शन मन रखिए आप नौ नंबर कौटा ऑप्शन डी राइट आंसर हम कुड पारा सेन्स आम लगे पार्बा यहाँ को ऑलरेडी आप बहुत थर पढ़ी यार मोडाल तो समस्ते पढ़ते इंग्लिश पेपर एत सहजे कहार भी खराब हो नाथ ओके दस नंबर क्वेश्चन कौन दे आर डैश बी ए फेमस स्वीट शॉप हियर 20 ईयर बैक किसी पे ये जगह कन्फ्यूज होती कौटा आप वाश टू तो लगे आउ सुट तो लगे सुट तो कंपलसरी से मैंने क्या आडवाइस सेन्स लगे गोटे हूँ उड आउ यूज टू मन रखिए यूज टू कौट यूज कराए जब आप किसी पास्ट में हैबिट थी कौन कहते हैं आई यूज टू प्ले क्रिकेट मैंने पास्ट में क्रिकेट खेलने पसंद करते यूज टू से लगे बट एटे आप लगे दे आर वुड बी ए फेमस कौन कहली दे आर वुड बी ए फेमस स्वीट्स ऑफ योर 20 ईयर बैक 20 वर्ष तले पास्ट कथ कहे उड लगे पार्बा ओल भी दरकार नहीं ओल तो मूल ना ही ऑप्शन रे बाकी यूज टू आपको रेगुलर हैबिट पास्ट थे आप लगे पारे बट राइट आंसर हम गोटा उड़ आपको हम ओके एग्जा एगार नंबर कोई एगार नंबर अच्छी बहुत इजी क्वेश्चन अच्छी ए क्वेश्चन भाई समस्त लाइफ में पढ़ते जो मैंने मोडाल भर पढ़ते यार कनसेप्ट तो समस्ते शिखी पढ़ी ना तो मन रखिए वी डैश अलवेज रेस्पेक्ट आवर एल्डर तो यहाँ कौन आप सुट लगे सुट मैंने कौन आडवाइस सेन्स आपड़ सुट लगाए ये भी आपको लगे पड़ो इजी थी यार नेक्स्ट बार नंबर देखो ऑल स्टूडेंट डैश ओबे द स्कूल रेगुलेशन टू मेंटेन डिसिप्लिन ये भी आपको लगे मस्ट लगे मस्ट मैंने कंपलसरी बाउंड करने पड़ो कूड नुह विल भी नुह आर ए लगभन एटा समस्ते बार नंबर ऑप्शन ए को चूज करते आशा करें किसी डाउट नस्ते ठीक ठाक आंसर दिए नेक्स्ट तेरह नंबर देखो एटा गोटे पूरा सिंपल आप क्लोज टेस्ट टाइप जिनस बट ये ग्रामर यूजेस कराई मन रखिए सबुठ सहज कदा था सब जगह मोडाल भर यूज कराई जमीक एक्जामपल देखो यार आपको कही कही चलती माइट गोटे मोडाल भर पर भर फास्ट फॉर्म आसो समस्त रिपीटेडली पढ़ी आ मोडाल भर पर समस्त भर फास्ट फॉर्म लगेदेव बिकज आउ किसी लगे ही ना मस्ट पर भर फास्ट फॉर्म लगे क्यान पर भी भर फास्ट फॉर्म लगे सुड पर भी भर फास्ट फॉर्म लगे एमती कोई जगह नहीं पांचटा खंडे केवल फिलिंग दबला आप पलि आसा कौन सब तक भर फास्ट फॉर्म लगे बट मुझे आंसर कर देती पैसेज आप आराम से पढ़ी पारे देखो मिल्क इज ए डैश फुड मिल्क इज कौन आपको कंप्लीट फुड कंप्लीटली कौन पर लगे बिकज ये आपको लगे नाम को रिप्रेजेंट कर नाम को डायरेक्ट सॉरी आपको कौन मिल्क जे डैश फुड ओके फुडा फुड पूर्व कौन कंप्लीट लगे पार्बा जोटा कि आप नॉर्मल एडजेक्टिव को बुझे ओके कंप्लीटली कहीं लगे ये भी लगे दरकार नहीं यहाँ भी लगे दरकार नहीं कंप्लीशन भी लगे ओनली कंप्लीट फुड आप लगे पार्बे जेहतु फुड अच्छी फुड पूर्व एडजेक्टिव को बसईबार अच्छे कंप्लीट गोटे एडजेक्टिव नेक्स्ट होती देखो फुल विटामिन्स एंड प्रोटीन्स ओके चिल्ड्रेन शुड ड्रिंक इट इट डैश तो डेफिनेटली सब पीया कथ तो आम रेगुलाली लगे रेगुलाली आपसन कौन अच्छे डी रही बाकी डी स्पेलिंग को चेक करेंगे बोलबाला आप मैंने अदर जिन गुडा अच्छे ओके एल वाइल आप लगे एट रेगुलाली ओके
ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଅଦର ଓକେ ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିଛି ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ମୋଡାଲ ଭର୍ବ ଦେଖିବା ବାକି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ହିଟ୍ କରିକି ପଳେଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ମାଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ପରେ ଭର୍ବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଆସିବ ତ ସଫରିଂ କେମିତି ହବ ଏଲୱାଇ ଆସିବନି ସଫର୍ଡ ବି ଭର୍ବ ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ଆସିବନି ଓନ୍ଲି ସଫର୍ ହବ ତାପରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରଟା ବି ବୋଧେ ମୋଡାଲ ଭର୍ବ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲ୍ଡର ମଷ୍ଟ ଅଲ୍ସୋ ଅଲ୍ସୋ କ'ଣ ହବ ଅଲ୍ସୋ ଟେକ୍ ହବ ଅପସନ୍ ସି କୁ ମାରିଯିବା ମୋଡାଲ ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ବସେଇବେ ଆଉ କିଛି ଭାବିବେନି କି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଠି ବସେଇବାର ନଥିଲା ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବା ଓକେ କ୍ୟାନଟ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ପରେ ଭର୍ବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଖୋଜିବା କ୍ୟାନଟ୍ ଓକେ ଆଫୋର୍ଡ ଓକେ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହବ ଇଡି ଲାଗିବନି ଆଇଏନ୍ଜି ଆଫୋର୍ଡ ଆନ୍ସ ବି ଲାଗିନି ଏଇଟା ନାଉନ୍ର କଥା ନାଉନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗେଇବା ଆମକୁ ତ ଭର୍ ବସିବାର ଥିଲା ବୁଝିଗଲେ ନା ଭର୍ ବି ଓନ୍ଲି ବସିବ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଡ୍ ଇଟ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍ ଓକେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଆଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଆଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଅଲ୍ଟରନେସନ୍ TION ଲାଗିଛି ଅଲ୍ଟର ଲାଗିଛି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଆପଣ ଲାଗେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ବଦଳ ଆମେ ସେଇଟା ଖାଇପାରିବା ନର୍ମାଲ ସେଇ କଥା ଆଇ ଥିଙ୍କ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହୁଛି ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସରିଲା ଏଇଟା ଉଇ ସୁଡ୍ ସୁଡ୍ ପରେ ପୁଣି ଭର୍ବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଯେତେ ଥର ମୋଡାଲ ଦେଖିବେ ସେତେ ଥର ପର୍ଚେଜ୍ ଆପଣ ଲଗେଇ ପଳେଇବେ 19 ଏ ସବୁତକ ଇଜି ଥିଲା କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ନଥିଲା 20 ନମ୍ବର ବି ଆପଣ ଓପନ୍ ମାରିକି ପଳାନ୍ତୁ ସରି ସରି ଓପନ୍ ନୁହଁ ଆପଣ 20 ନମ୍ବର ଓପନ୍ ହେବନି ୟାର କାରଣ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ିନି ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋଡାଲ ଅଛି ତ ଓପନ୍ ଲଗେଇଦେଲି ଯେଉଁଟାକି ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟିକେ ପିଲାଙ୍କୁ ଖେଳି ଦେଇଥିଲା ଟ୍ରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ପୁରା ପଢ଼ନ୍ତୁ ତ ପୁରା ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ୱି ସୁଡ୍ ପରେ ଆମେ କ'ଣ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ ୱି ସୁଡ୍ ପର୍ଚେଜ୍ କ'ଣ କହିଲେ ୱି ସୁଡ୍ ପର୍ଚେଜ୍ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ୱି ସୁଡ୍ ପର୍ଚେଜ୍ ମିଲ୍କ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଫ୍ରମ୍ ମିଲ୍କ ବୁଥ୍ସ ଓକେ ମିଲ୍କ ବୁଥ୍ସ ଓକେ ଡ୍ୟାସ୍ ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଠି ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା ମାନେ ଇଏ ପ୍ୟାସିଭ୍ରେ ଅଛି ପ୍ୟାସିଭ୍ରେ ଭର୍ବ କେଉଁ ଫର୍ମ ଲାଗେ ଭର୍ବ ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ଲାଗେ ନା ତ ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି କି ଆଗକୁ ଫର୍ମ ଲଗେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ୟାସିଭ୍ରେ ଅଛି ଓନ୍ଲି ଆପଣ କ'ଣ ଲଗେଇପାରିବେ ଓପନ୍ ମାନେ ଭର୍ବ ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ଲଗେଇବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ତ ଆପଣ ଲଗେଇପାରିବେ ଭର୍ବ ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ଯେଉଁଟାକି ଓପନ୍ ରହିବ ଓକେ 20 ବି ରହିଲା ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିଗଲେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆରେଞ୍ଜ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ମାନେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ୱାର୍ଡ ଅଛି 4-5 ତାକୁ ବାସ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଦେଇଦେଇଥିବେ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନଥିଲା ଇଜି ଥିଲା ୟାର ମୋ ପାଇଁ ଆନ୍ସରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁ ପ୍ଲେସେସ୍ ଟେକ୍ ରେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଦେୟାର ୱେୟାର ଓକେ କୁହନ୍ତୁ ଦେୟାର ୱେୟାର ଫ୍ୟୁ ପ୍ଲେସେସ୍ରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବା ପ୍ଲେସ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବନି ଦେୟାର ୱେୟାର ଫ୍ୟୁ ପ୍ଲେସେସ୍ ହେଇପାରିବ ଦେୟାର ୱେୟାର ଫ୍ୟୁ ପ୍ଲେସେସ୍ ଟୁ ଅପସନ୍ ତ ସି ହେବ ନା କାରଣ ଏଇଟା ବି ହେବନି ଦ ୱେ ତ ଲାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଦେୟାର ୱେୟାର ଫ୍ୟୁ ପ୍ଲେସେସ୍ ଟୁ ଲାଗିବ ଇନଫିନିଟିଭ୍ ଭର୍ବ ଆସିପାରିବ ଟୁ ଟେକ୍ ରେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ୱେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଓକେ 21 ସି ରହିବ ନେକ୍ସଟ 22 ଯାଅ ଓକେ 22 ପିଲାଙ୍କର ଟିକେ କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଥାଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂର କରିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ପିଲା ଭାବିବେ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଦ ଲଗେଇଦେବା ବଟ୍ ଏଠି କେଉଁଠି ବି ଏଇଠି କେବଳ ଲାଗିଛି ବଟ୍ ଇଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବି ଭୁଲ୍ ଅଛି ଏ ଯେଉଁ କହିଛି ଦ ହୁଇଲ୍ ହୁଇଲ୍ଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନାଉନ୍ଟା ଶୋ କରୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଡେଫିନେଟ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଶୋ କରୁଛି ଆମେ ଦ ହୁଇଲ୍ ଲଗେଇ ପାରିବା ସବୁଥିରେ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଠି ଦ ଇନଭେନ୍ସନ୍ ଲାଗିଛି କାଟିଦେବା ୱେୟାର ଏଇଟା ଦ ହୁଇଲ୍ ହେଇପାରିବ ବଟ୍ ଦୁଇଟାଙ୍କ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଭିତରେ କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଦ ହୁଇଲ୍ ଇଜ୍ ପରହାପ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଇନଭେନ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବ ୟାର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଦ ହୁଇଲ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ନା ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହିଁ ଭୁଲ୍ କରିଦେଇଛି ତାକୁ ଆମେ କାଟିଦେବା ତ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହବ 22 ଏ ରହିବ ଦ ହୁଇଲ୍ ଇଜ୍ ପରହାପ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଆପଣ କ'ଣ ରହିବ ଇନଭେନ୍ସନ୍ ରହିବ ଓକେ 22 ଏ ରହିବ ନେଇଛି 23 ଇଜି ଥିଲା ଆପଣ ଏଇଟା ଆରାମସେ ଡିଲ୍ କରିଦେଇଥିବେ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିବେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ କ'ଣ କହିଲେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ଆମ ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆର୍ଲିଅର୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଟୁ ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ତ ଅପସନ୍ ଆପଣ କେଉଁଟା ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ିଦିଏ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଭେରି ନାଇଁ ଏଇଟା ଭୁଲ୍ ଅଛି ଆର୍ଲିଅର୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି ୟାର 23 ଆପଣ ଅପସନ୍ କେଉଁଟା ଡିକୁ ବି ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆପଣ ଡିରେ ବୋଧେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହବ ଓକେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆର୍ଲିଅର୍ ବି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବା ଆମେ ଟାଇମ୍ ଆଡ଼ଭର୍ବିଆଲ୍କୁ ଆଗେ ବି ଲଗେଇ ପାରିବା ଓକେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆର୍ଲିଅର୍ ଏଇଟା ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଭୁଲ୍ ଅଛି ଆର୍ଲିଅର୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସହିତ ମନେ ରଖିବେ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗେ ଟୁ ଉପରେ ଭର୍ବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଟୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆପଣ ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ପୁରା ଠିକ୍ ନେଇକି ଯାଉଛି ଓକେ ତ ଆମେ 23 କେଉଁଟା ଅପସନ୍ କେଉଁଟା ଡିକୁ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବା ହୋପ୍ ସୋ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଚୁଜ୍ କରିଥିବେ 24 ନମ୍ବର ଯାଏ 24 ନମ୍ବର ବି ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏବେ ଇଜିରେ ଏଇଟା ଡିଲ୍ ହେଇଯିବ ବିକଜ୍ ସେ କହିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଢ଼ିବା ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଗ୍ ତ ଲାଗିବନି ଦେୟାର ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଓକେ ଟ୍ରାଭେଲର୍ କ୍ୟାରେଡ୍ ଦେୟାର ବିଲଙ୍ଗ୍ ତମେ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ କ୍ୟାରେଡ୍ ଦେୟାର ତମେ ଏଇଟା ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବସିବ ଟ୍ରାଭେଲର୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଏଇଟା ବି ଲାଗିବନି ଓକେ ଟ୍ରାଭେଲର୍ କ୍ୟାରେଡ୍ ଦେୟାର ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ତ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବି ହେବ ଦେୟାର ବ୍ୟାଗ୍ସରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ 24 ବି ହୋପ୍ସ ସମସ୍ତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବି ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିବେ ନେକ୍ସଟ 25 ଟିକେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହିଛି ଫିଲିଂ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ୱିଥ୍ ୟୁ ଆପଣ ସେ କହିଛି ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ପ୍ୟାସିଭ୍ ଭର୍ବ ଆପଣ ତ ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା ଆକ୍ଟିଭ୍ରୁ ପ୍ୟାସିଭ୍ ସମସ୍ତେ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲଗେଇବେ ପ୍ୟାସିଭ୍ର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଭର୍ ସହିତ ଭର୍ବ ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ଲାଗେ କ'ଣ କହିଲେ ବି ଭର୍ ସହିତ ଭର୍ବ ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ଲାଗେ ଆଉ କିଛି ଆମକୁ ଖୋଜିବାର ହିଁ ନାହିଁ ବୁଝିଗଲେ ବାକି ଟେନ୍ସକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଟେନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଟୁ ମେକ୍ ଏ କପ୍ ଅଫ୍ ଟି ଯଦି ଆପଣ କପ୍ ଅଫ୍ ଟି ବନେଇବାର ଅଛି ବଏଲ୍ଡ ୱାଟର୍ ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ନେଇକି ଯିବା ବିକଜ୍ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୌଣସି ପାଷ୍ଟରେ କହୁନି ମେକ୍ କଥା ନେଇକି ଯାଇଛି ବାକି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପୁରା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଅଛି ବଏଲ୍
जदि प्रेजेंटर अच्छे तो ये हेल्प आप पैसिव लगे मैंने हेल्पिंग भर आस सिंपल प्रेजेंट लगे इज पोर्ट जोटा कि अप्सन कौन अच्छे बी रही हाज बीन परफेक्ट अलरेडी कर सारी कि ना करेंगे ना तो फास्ट कथ भी कही हाज बीन भी लगे किसी दरकार नहीं मैंने सारे कथ से कही आपको फास्ट कौन करवाई पड़ो आपको मैंने पा देवाई पड़ो से कथ से कौचे देन ए स्पून अफ सुगार ओके कौन करा आडेड करवा आडेड को पैसिव्रे कौन करा इज आडेड आम करवा अप्सन सी हम विल बी आडेड लगे किसी दरकार आम स्पून अफ पैसिव आड करवा इज आडेड लगे पार्बा से कहते सम मिल्क डैश ओके सम मिल्क ओके मेन हूँ इज पर के पुटिंग लगे पुट 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 हुए कौन कहे पुट रर्व थर्ड फॉर्म भी आपको कौन हुए पुट हुए जो मैंने जानते हैं यार ऑप्शन ए को चूज कर पड़ते बिकज हार्ड लगे यार पास्ट रेट मतलब नुह बिकज जनरल सेंटेंस गोटे कहे कमी कौन हो पार पुट भी डायरेक्ट लगे विदाउट हेल्पिंग भर तो मन रखे सतईस ए रही है चूज करेंगे यार जानते हैं सतईस ए रहा नहीं चाहिए अठाई नंबर को आम डील करवा देखिए अठाई नंबर समस्त आंसर देखें ट्राए करूँ एट गोटे सिंपल मुझे कहते ना वार्ड रीनिंग आपको पचार देखो वार्ड रीनिंग ही पचारदा यार सिनोनिम आंडोनिम तो रखी पारे वार्ड मीनिंग पचार एजेंडा एजेंडा मैंने कौन आपको कौन गोल रोचे कि आप मोटो कौन अच्छे यहाँ पर देखो लिस्ट ऑफ फूड आइटम नुह हाँ इश्यू डिस्कस इन द मीटिंग आम कर एजेंडा मैंने ये जो मीट होगी कौन होती तार एजेंडा कौन आम डिस्कसन कर मैंने किसी जिस तो आम इश्यू पर तो ऑप्शन बी हम बाकी किसी चूज कर दरकार नहीं अंतरीश नंबर क्वेश्चन आप सेंटेंस पढ़ की जिस धरीपारे और डायरेक्टली वार्ड पेरेनियल मान तो जानते हैं सब बड़े आपको जोड़ा नदी में पा थाएक आम पेरेनियल कह सब यार वर्ष जाक तो आम कहीपर स्टीम फ्लो राउंड द ईयर वर्षा को जो पा बोए नर्माल को पेरेनियल नदी तो जियोग्राफी पढ़ी थी वार्ड तो डेफिनेटली पिक करके पढ़ी थी ओके तीस नंबर क्वेश्चन से तीस नंबर क्वेश्चन से कहे सीजनाल सीजनाल मुझे कहे सीजनाल बेपार आज शुणी थे मैंने होली गोटे सीजनाल बेपार मैंने जब होली केवल आसो से ही टाइम कि आपरेंगे जमी आप आम्रटा गोटे सीजनाल जिनसा सब बेले थोड़ा ना आसे देखते मैंगो भी लिखाई देखो सीजनाल मैंने कौन नॉट अवेलेबल ऑल सीजन सब सीजन में अवेलेबल न था ओके ऑप्शन ए नेक्स्ट भाई एक को डील करेंगे ओके एक समस्त आंसर देखें ट्राई करूँ एटा आप कंडीशनल सेंटेंस मुझे सब बेले पढ़ाए कंडीशनल सेंटेंस पे पढ़ पढ़ तीन टाइप अच्छी फास्ट टाइप टाइम लगे ट्राई करूँ ट्राए कला इफ सहित सिंपल प्रेजेंट अच्छी इफ सहित सिंपल प्रेजेंट अच्छी तो फास्ट आप कौन लगे विल मिस लगे ऑप्शन ए हम विल हाव लगे चांसेस ना आर के बसे मिस भी लगे किसी दरकार नहीं ओके आपको कौन लगे विल मोडाल भर बस सहित भर फास्ट बस कंडीशनल टाइप वन ओके समस्त जानते हैं ओके नेक्स्ट से ओके बतीस नंबर क्वेश्चन में प्राय पिला कन्फ्यूजन दुईटा जगह मुझे आपको क्लीयर करूँ देखो आई ट्राए टू भिजिट माइ सरी गोटे सेकेंड आई ट्राए टू भिजिट माइ रिलेटिव इन माय होम टाउन तमें होम टाउन से रोचे कौन कहते होम टाउन रोचे गोटे कन्फ्यूजन देखो पिला सर एनी लगे ना एव्रे लगे ईच अदर मंथ किसी लगे ओके एव्रे लगे आउ सम भी किसी लगे ओके तो मैंने बतीस ऑप्शन आप एपे ना आप मन रखे बी हो पाए ठीक अच्छे मन रखे ये जो लगे एनी अदर मंथ जेहतु से होम टाउन रोचे तो एनी अदर मंथ लगे किसी दरकार नहीं कौन लगे पारे ईच अदर मंथ सब मंथ मैंने ईच अदर मंथ से जापर बिकज होम टाउन रोचे तो ऑप्शन बी हो पारे बुझीगले समस्त ना ओके पर भी जाना यार आंसर किए कौन आस मत जो लगे मुझे सामने एक्सप्लेन करदेली ओके नेक्स्ट भाव अभी जी तेतीस नंबर को तेतीस नंबर क्वेश्चन से कहे द डेंटिस्ट ओके द डेंटिस्ट क्लीन माय टीथ हुए ना बाकी तो टूथ तो हुए ना प्लूराल बसार अच्छे टीथ बस मो दात गुड़ा कथ से कहते ना ओके तेतीस ऑप्शन ए रोपर द क्राउड सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट जिन पड़ेगा ये गोटे कलेक्टिव नाउन पड़े आसा कौन कहे कलेक्टिव नाउन ओके द क्राउड पर आम कलेक्टिव नाउन सिंगुलर लगाओ तो वाज गेटिंग लगे ओके रेस्ट रेस्ट ओके दैट गट हटर तो डेफिनेट आम लगे पार्बा गेट गट हटर पास्ट कथ कहे तो आम वाज लगे इज लगे कौन से मतलब नहीं बुझे नेक्स्ट हूँ योर रईटिंग इज ब्याड बट माइन इज किसी पिला भावुले बेटर भी भाई कौन पाई ना कारण कंजक्शन बट लगे बट मैंने अपोज करें बट एटी आप लगे कौन अकॉर्डिंग टू सेंस योर राइटिंग जो तुम जो लिखा अच्छे खराब ताठू मोर आहुरी खराब किंतु मोर आहुरी खराब यही सेन्स लगे कौन कहे किंतु मोर भल कहनी किंतु मोर आहुरी खराब कंपेरिजन चलती कंपेरेटिव लगे वर्स्ट हेनी अप्सन कौटा ओर्स हम कौन कहे आप ब्याड्र ओर्स बने अप्सन कौटा डी रेट आंसर आसो कंपेरिजन कंपेरेट डिग्री लगे सुपरलेटिव लगे बेटर न लगे रिजन मुझे कौन कहली आपको न लगे रिजन हूँ योर राइटिंग तुम लिखा खराब किंतु मोर ताठू खराब तो आम से जगह लगे ओर्स आपड़ लगे पारे मोर ताठू भल से आम कहानी खराब से कंपेरिजन आम ओर्स लगे पार हो सब बुझीगले जो मुझे कनसेप्ट आपको देली ओके हे तो आंसर किए देखा कौन आप आस बट मो हिसाब से आंसर आप डी रेट तो नहीं देखो आप कम्प्लीटली गोटे पैसेज था पैसेज तो समस्त अटेंड कर देते बट मुझे आंसर को क्लिक कर दी पढ़ाऊँ बिकज आप अलरेडी पूरा पैसेज को पढ़ते से कहते रेस्क्यूंग द पीपल डिफिकल्ट बिकज कौन होता डेप्थ डेप्थ गोटे जो एक्सीडेंट प्लेस डेप्थ था ओके 36 ऑप्शन सी रेट आंसर नेक्स्ट आप 37 कौट रेट आंसर रखो तब से व्हाट ओवर अदर रोल ओके भावले तो मन रखे ऑपरेटिंग द लिखाई सर्विस आफ्टर 6 एम ओके ऑपरेशन द सर्विस आफ्टर 6 ऑप्शन एटा बी थला बस पढ़ी ने 38 आपको कहला कौन हुई शुड बी रेस्पोन्सिबल फर द
ଫର୍ ହାଭିଂ ଏନଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍, କିଏ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହବ? ଡେଫିନେଟ୍ଲି ବୋଟ୍ ଅପରେଟର୍ ହବ ନା, ଆଉ କାହାର ଏଠି ହବା ଦରକାର। 39 question ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ହାଉ ମେନି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପର୍ସନ୍ ୱେଆର୍ ବୋଟ୍, ଓକେ ଲେଖା ହେଇଛି ସାଙ୍କସନ୍, ଆପଣ ସାଙ୍କସନ୍ କାପାସିଟିରୁ ଅଧିକ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ମନେ କରିବେ ସାଙ୍କସନ୍ କେତେ ଅଧିକ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଟୁରିଷ୍ଟ ସେମାନେ କେତେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି? 35, ବଟ୍ ବୋଟ୍ର କାପାସିଟି ଅଛି 20, ତ ଆପଣ କେତେ 15 ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇକି ପଳେଇଥିଲେ। ଓକେ, ତ 30 ଆପଣଙ୍କର 9 କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର 15, ଅପସନ୍ ଡି ହବ। 48 ସେ ଆପଣ ସରି 40 କହୁଛି ଦ ବୋଟ୍ ଓଭରଟର୍ନ ହେବାର ରିଜନ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ବିକଜ୍ ସେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରିଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, କାରଣ 35 କାପାସିଟି ନଥିଲା, 35 ଲୋକ ଆଇଥିଲେ, 20 କାପାସିଟି ଥିଲା, ବଟ୍ ସେ 35 ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଆଲାଉ କରିଥିବାରୁ ବୋଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା? ଓଭରଟର୍ନ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ଇଏ ଥିଲା ବାକି ସବୁ ଦେଖ, ବାକି ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଥିବ କମେଣ୍ଟରେ କହିଦେବେ। 20 କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେମିତି ଥାଇପାରେ, ମିଷ୍ଟେକ୍ ଏମିତି ଆମେ କହିପାରୁନି, ଆନ୍ସର୍ କି ସହିତ ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ କରିଗଲା ଭଲ କଥା, ଅଦରୱାଇଜ୍ ବାକି ମୋ ତରଫରୁ ଯେତିକି ପସିବଲ ଥିଲା ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯାଇଥିଲେ। ସେଇଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ କ'ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।